देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। नेटवर्क 33 में आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस कहानी का पहला भाग नहीं देखा है तो देख लें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं इस कहानी के अंतिम भाग की ओर। मेन गेट पर ब्रिजेश का दोस्त खड़ा ब्रिजेश को चिल्लाते हुए आवाज दे रहा था। ब्रिजेश, मैं आ गया हूँ, तू अभी अंदर ही है क्या? ब्रिजेश अपने दोस्त की आवाज सुनते ही बोलने ही वाला था कि अचानक ही उसकी आवाज एकदम से बैठ गई। जब ब्रिजेश कुछ बोल नहीं पाया तो वो मेन गेट की तरफ बढ़ा और तभी फिर से एक बार लाइट चली गई, मगर ब्रिजेश रुका नहीं। वो गेट के पास पहुंचा और पूरे दम से अपने दोस्त को आवाज देते हुए बोला, भाई भाई मुझे बचा ले, कैसे भी ये गेट खोल दे। जब वो रो रो के अपने दोस्त से मदद मांग रहा था तब उसे एहसास हुआ कि अब गेट की दूसरी तरफ से कोई आवाज ही नहीं आ रही है, मानो कि कोई हो ही ना। जिससे ब्रिजेश अब और भी ज्यादा घबरा गया था और गेट पकड़कर जोर जोर से चिल्लाने लगा। तभी ब्रिजेश को लगा कि किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया है। ब्रिजेश अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश ही कर रहा था कि लाइट आ गई। लाइट के आते ही ब्रिजेश ने देखा कि वो किसी गेट पर नहीं बल्कि किसी कमरे में है और उसका हाथ उसी लड़की ने पकड़ रखा है जिसके चेहरे और पूरे शरीर पर बहुत ही चोट के निशान है। ब्रिजेश उसका चेहरा देखकर वहीं जम सा गया था कि तभी मेन गेट तोड़कर उसका दोस्त और उसके कुछ लोकल लोग अंदर आ गए और सही वक्त पर उनकी नजर ब्रिजेश पर पड़ गई। ब्रिजेश वहीं जमीन पर बुरी तरह से तड़प रहा था। सभी लोगों ने उसे जल्दी से उठाया और हॉस्पिटल ले गए। उस रात वो बच तो गया पर लगभग एक महीना होने चला था, मगर ब्रिजेश की हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। वो अब बेहद कमजोर हो चुका था जिसके चलते उसकी मौत उस हादसे के 45वें दिन हो गई। लोगों का कहना है कि उस घर में जो भी कोई गया वो जिंदा नहीं बचता, क्योंकि उस घर में पहले जो परिवार रहता था उसके आपसी मतभेद के चलते उन्होंने एक दूसरे की जान ले ली थी और उसके बाद से ये घर हॉन्टेड हो गया है। उस घर में कभी औरत दिखाई देती है तो कभी उसका मर्द। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा ऐसी ही एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।